वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु चेतक कैसेट्स बोलिए गोगा जी महाराज की। तो प्यारे सजनों, आकर बाबूजी परवानो लिख गए गोगो जी महाराज ने भेज देवे और कहने लगे महाराज मैं तो मारो वचन हार गया और आ कैलमगी मां थाने प्रणावे कोनी और जो भी साचा साचा सवाल आ वे सारा लिख दिया। वे तो कोई बूढ़ो बतावे, कोई आंख उतानो बतावे, इया बतावे, मारे तो कोई बसरी बात कोनी। तो प्यारे सजनों, गोगो जी महाराज परवानो बाँच गए, आपके गुरु गोरखनाथ जी महाराज एक न जावे और कहने लगे बाबा जी मारी एक बात सुनो। बोलिया बेटा बताओ। बोलिया बात यहाँ है बाबा जी, मैं गया पुष्कर जी रे नान बैठे बावन रजवाड़ा भेड़ा हो गया और हारन जीतन की मैं ओढ़ मारी तो केलम लाडली बूढ़े जीरी जी की है बा मैं जीत ली। अब माने प्रणावे कोनी बूढ़े जी की रानी सा वे बिल्कुल ही नाट गया। तो प्यारे सजनों, गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहने लग गया रे चेला आ तो बिल्कुल छोटी सी बात है, तू घबरा मना, आन दे सावनरी तीज थाने प्रणा तू कैलम लाडली। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहने लग गया सहेलियां बाग गए मां हिंडो हिंडन जासी तो तू इया करी आपने छप्पन पियाना गए मां इन्हें बस सकना गए जाके नागड़ी ने जगा ले और नागड़ी ने सागे ले गए बागरे माए लिजार छोड़ दी और अपने आप ऑटोमेटिक शादी हो जासी। तो प्यारे सजनों, गोगो जी महाराज छप्पन प्याणा का माए ने जागे अब नागराज से विनती करे। नागराज देख बोलिया कोई नहीं भई जाओ। तो प्यारे सजनों, मीनू सावन को मीनो आयो, सावन की तीज आई और केलम आपकी माँ ने किसी भांति से केवे कमाता मारी आगी सावन की सावन तीज तो इंडो मंडा दे हरी है बाग में। तो प्यारे सजनों, सहेलिया हिंडो हिंडने रे वास्ते जावे तो बैठे गोगो जी महाराज पहुंच जावे। तो कवि बतावे हैं गोगो जी के पगा पगा में खेले बासक नाग और हाथा पर खेले पद्मा नागणी तो बागरे माए लिजार नागणी ने छोड़ देवे। अब कैलम बाई हिंडती हिंडती प्यारे सजनों किसी भांति से दिखाण भूल गए ऊपर हाथ लगावे और के अपनी राम सभा सुनावे।
प्यारे सजनों, गोगो जी महाराज पद्मा नागर ने ले जागे बाद में छोड़ देवे और बिनु सहेलिया झूलो झूलने रे वास्ते बाग रे मायने आ जावे तो केलम दे इंडती इंडती एक फूल के ऊपर हाथ लगावे तो फूल का मायना ऑटोमेटिक पद्मा नागरी बन गए। चिटली आंगली का डसली है तो प्यारे सजनों केलम दे रोमती कूकती घराने आ जावे और सहेलिया पहले जाके बता देवे है कह रानी सा कहो कह केलम ने डस की बिसली बांड की तो इसीलिए केलम पापू जी महाराज ने बतावे और देवर भाभी का किसी भांति से बोल सवाल होवे और के अपनी राम सभा सुनावे तो केलम की माता श्री पापू जी महाराज ने किसी भांति से केवे है
हरवीर महाराज की जय हो। हाँ तो प्यारे सजनों, गोगो जी महाराज बाग के मायने हा और बिनु कलम की माँ कहन लगी ठाकर पापू जी ने कह देवर महारा रे ऐसो कोई झाड़ा घर बुलाओ तो बाने प्रणाद्या कलम लाडली आ मर गई जका ना तो बाने प्रणानी ठीक है तो आपने कोई ऐसो झाड़ा घर बुलवा लियो तो कह है दूर दूर वैद गारडू झाड़ा घर बुलवा लिया सब चल गए हाथ पसार लिखे लेख तकदीर लिखे लेख के लमगा तो नहीं बचेगा प्राण अब सा मैं के उपाय करूं घना ही दूर दूर वेद गारडू झाड़ा घर तो बुलवा लिया। बोलिया देवर कोई ऐसो झाड़ा घर बुलाओ बने आपा केलम लाडली प्रणा दिया। बोलिया साची? बोलिया हाँ। तो प्यारे सजनों इतनी बात में चावा हा तो अब गोगो जी महाराज ने केवे है अब आपलो झाड़ो लगाओ देखाण लागे तो जना तो श्री गोगो जी महाराज ले गुरु गोरखनाथ जी रो नाम खे गुगल धूप और तांती गुरु गोरखनाथ जी महाराज की बान देवे और केलम दे हंसती हंसती मुलकती मुलकती खड़ी हो जावे। बोलिए हरवीर महाराज की। और बिनु गोगो जी महाराज तो गढ़ दे दरेवा चलिया जावे और केलम की माता कहने लगी ठाकर पापू जी ने बोलिया आ फिर आपने घरे मर्सी तुम्हारी मर्जी सी तो इया करो अगले नारे लगा दो आपने जिया होसी बिया ठीक है। तो प्यारे सजनों बामण ने बुला लेवे और किया दखान पोथी पाना हाथ में लेवे और के अपनी राम सभा सुनावे तो जोशी जी महाराज के कन्ने आ जावे और किसी भांति
दादे जोशी ने सोने का नारियल दे देवे ठाकर बाबूजी महाराज। और दादो जोशी जी महाराज कहने लग गया ता महाराज जानो कठे है, बोलिया जानो है गढ़ दिदरेवा गांव, गोगे धर्मी ने टीको दे दियो। तो जोशी जी महाराज मन में सोचो ब्याह है कोटांग मां, कह देखो आपनो तो ब्याह में ही काम पड़े करे, आज आपने घणो ही धनमाल दफाऊ को मिल सी, जे हुए तो दबा दब चलो। तो आपरा ऑटोमेटिक बिस्तरा बिस्तरा उठा लिया, पोथी पाना हाथ में ले लिया। तो प्यारे सजनो ददरेवे के मायने जा पहुंचा, तो ददरेवे में जाके तो कवि की कल्पना है प्यारे सजनो, कह पोली बीरा पोल बेगी देव खोल, अर दूर देशा से जोशी आवियो। तो कोई बुझने लाग्यो थारो किसो गांव है और काई थारो नाम है, तो कहने लग गया कह खारी खाबड़ मारो गांव, और गोगे धर्मी गए आया सिगरित पावना। तो दबा दब पोल दिनी खोल, और भरी कचेड़ा का मायने जोशी जी पहुंच गया, और कचेड़ा का मायने जार गोगा जी महाराज ने नारियल जलावे। और के वे थांगी मां खातर आया ए रावती बीड़ला, अब माता बात चल पूछने लागी कह गोगा जी ए जोशी जी महाराज गठू आया है। तो गोगो जी कहने लग गया
महाराज बोली बेटा फेरा कुन देसी बोलियो फेरा देसी दादो सीलवो बोलिया कठे रेवे बोलिया नजरा में रेवे बोलिया ठीक है और इया बताओ गोरखनाथ जी महाराज कठे रेवे बोलिया पाड़ा में बोलिया जना ठीक है बेटा तू जल्दी उ जल्दी सारा नगरा में दही देवता ने नींद तो भेज दे तो प्यारे सजनों सब दही देवता ने नींद तो भेज दियो नेड़ो सो का आपको साव राख लियो क्योंकि इयाल का सावा नेड़े ही कड्या करे तो गोगो जी महाराज के मेहंदी पिट्ठी होगी और बीन बन लाग गया पर बी टाइम का मायने से हिलिया कट्ठी हो गए बताओ गावे किसी भांति से बताओ गावे और गोगो जी महाराज बिनु बीन बने बीन टाइम का मैंने कवि वर्णन करे और किया बताओ गावे क
कै उबो मारो गोगो जी ओ नानो सारी पोल माने रे घोड़ी दे दो मोल मारो अलगो कही जे सासरो जी महाराज कहां थाने मारा गोगा जी परणी जण रो कोट घोड़ी से जण तोड़े ताजनो जी महाराज इसी प्रकार ब्याव लोग आवे। हां तो प्यारे सजनों बड़ी धूमधाम से गोगा जी महाराज ने बीन बना लेवे और किसी भांति से बारात रवाना होवे और के अपनी राम सभा सुनी लेवे। धूमधाम सुखारी खाबड़ फूगी है प्यारे सजनों तो जिन टाइम में कांकड़ पर फूगे हैं तो भी टाइम को कवि बतावे है किसो का सहेला किसी भांति से संगीत गावे तोरण आला किया गावे दखाने अरे तोरण आयो जद राय पर थर 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 कहां क्यों राज तोरण आयो जद राय पर तर 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 कहां क्यों राज तोरण आयो जद राय पर तर 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 कहां क्यों राज तोरण आयो जद राय पर तर 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 कहां क्यों राज तोरण
तर 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 कहां प्योरा जी जी। बोलिए गोगा जी महाराज की। तो इसी भांति से प्रेमी सजनों चौरंग है ऊपर गोगो जी महाराज पहुंच गया है। तो चौरिया पर जावे भी टेम का कवि वर्णन बतावे। अब